ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। अब देखो यार, ऐसा कहते कहते मुझको कम से कम 2 महीने तो निकल ही गए हैं, पर मेरे को ये फील हो रहा है कि आप लोग कोई रिस्पॉन्स मेरे को दिखा नहीं रहे हो जिस हिसाब से मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। पर चलो कोई नहीं, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी और किसी बात के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम नेट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक सिंगर होता है, और वो एक क्लब में जाता है कुछ ड्रिंक्स पीने और कुछ अपनी नाइट को एंजॉय करने के लिए। तब हम देखते हैं यहाँ पर एक गैंगस्टर होता है जो उसको पकड़ लेता है और उसको एक पंच मारकर इसको बेहोश कर देता है, और एक सुनसान इलाके में इसको लेकर जा रहा होता है, और इसे मारने के लिए वो इसे ले जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो इसको एक सुनसान इलाके में लेकर आता है और इसको गोली मारने की तैयारी कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इसी गैंगस्टर को कोई पीछे से गोली मार देता है और उसको कम से कम 3 या 4 राउंड इसको फायर करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही जिस आदमी ने इस गैंगस्टर को गोली मारी थी वो पीछे से निकल कर आता है, और वो नेट से कुछ भी नहीं कहता। नेट ये देखकर हैरान हो जाता है, पर वो इन सब बातों को बुलाकर कहता है कि छोड़ो यार, मेरा क्या, मेरी तो जान बची। अब वो ये बातें कहकर वहाँ से निकल जाता है और फिर से उसी बार के अंदर आता है अपनी नाइट को एंजॉय करने के लिए। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसी बार में एक डांसर थी जिसका नाम था लेली। अब वो देखता है कि इस लड़की के ना कुछ फैदर्स निकले हुए थे पीछे से, और नेट भाई साहब को वो लड़की बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वो उसकी वैन के पास जाता है शो खत्म होने के बाद, और देखता है कि यहाँ पर उस लड़की के जो वो फैदर्स थे वो नकली नहीं थे, बिल्कुल असली थे। अब वो उस लड़की से कहता है कि मैं तो अपना रास्ता भूल चुका हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक शेयर कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो वो लड़की पहले उसे मना करती है, पर उसकी कुछ और बातें सुनती है तो फिर उसको अंदर अपनी वैन में बुला लेती है। ये दोनों आपस में एक ड्रिंक शेयर करते हैं। तब यहाँ पर नेट उस लड़की से कहता है जिसका नाम लिली होता है कि क्या तुम यहाँ पर बोर नहीं होती हो? तो वो कहता है मैं यहाँ पर बोर तो होती हूँ, पर क्या करूँ, ये मेरी लाइफ है। तो नेट उस लड़की को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो, मैं तुमको बिल्कुल एक क्वीन की तरह रखूँगा। दोस्तों यहाँ पर लिली को नेट तो अच्छा लग ही रहा था, पर उसकी क्या कहते हैं एक मजबूरी थी, क्योंकि वो एक सर्कस में काम करती थी और सर्कस का आदमी ये नहीं चाहता था कि लिली उसके सर्कस से बाहर जाए, क्योंकि वो एक मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था उसके सर्कस का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नेट उस सर्कस के जो लीडर होता है, यानी कि जिसका नाम सैम होता है, उसके साथ ड्रिंक शेयर करता है और उसे बातें करता है कि मैं नेट को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, सॉरी मैं लिली को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पर जो सैम है वो लिली को नेट को ले जाने से मना कर देता है और उसकी जान लेने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं ले जाने दूंगा। तब वहाँ पर लिली एक पिकअप ट्रक में आती है, उस सर्कस को उड़ाती हुई वहाँ से नेट को अपने साथ ले जाती है। तब नेट अपने एक फ़ोन बूथ पे रस्ते में रुककर अपने एक फ्रेंड हैरियट को कॉल करता है और उसे बातें करता है, उसे यही बताता है कि उसको एक लड़की मिली है जिसका नाम लिली है, और उसकी कमर पे एक फैदर्स कुछ उगे हुए हैं जो हमारे लिए पैसा कमाने का एक अच्छा खासा सोर्स बन सकती है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यहाँ पर लिली थी इस सब प्लान से बिल्कुल ही अनजान थी, वो तो यही सोच रही थी कि नेट उसे प्यार करता है और उसको क्वीन की तरह रखेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिली जो है वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो नेट को बताती है कि मेरा वजन ज़्यादा हो गया है जिस कारण मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर नेट लिली की एक फ़ोटो लेता है और वो उस फोटो को अपने एक गैंगस्टर के पास भेजता है। अब मैं बताता हूँ कि वो इस फोटो गैंगस्टर को क्यों भेजता है। वो इस फोटो गैंगस्टर को इसलिए भेजता है क्योंकि वो गैंगस्टर इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि जो नेट था वो उसकी वाइफ के साथ स्लीप कर चुका था और वो इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और ये चाहता था कि अगर मैं उसको कुछ ऐसी कीमती चीज़ दे दूँ तो मेरी जान उससे छूट सकती है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नेट और लिली अपने रूम में आए हुए थे, पर इन दोनों में किसी बात को लेकर एक लड़ाई हो गई थी छोटी सी, जिस कारण ये दोनों अलग अलग बेडरूम में सो रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिली है वो नेट के लिए एक खत लिखकर छोड़ जाती है और यहाँ से रात में ही कहीं उठकर चली जाती है, और पर नेट को ये पता नहीं पड़ पाता। उसे तब पता पड़ता है कि जब वो देखता है कि उसके साइड वाला बेड खाली है, तब वो वहाँ पर फ़ोन बुक होती है, उसमें से जो भी 5 लास्ट कॉल की गई थी वो उन सब पर कॉल मिलाता है। तब उसे पता पड़ता है कि जो यहाँ पर लिली है वो भाग गई है और वो एक डॉक्टर के पास गई है अपने पंखों को कटवाने के लिए। तब यहाँ पर जो नेट है वो उसी डॉक्टर के पास जाता है और उसे मना कर देता है कि तुम लिली के पंख नहीं काटोगे, और वो लिली को भी समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हैप्पी को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन विलन हम कह सकते हैं, और जो वही गैंगस्टर था जिसको नेट ने फोटो भेजी थी। अब वो हैप्पी को नेट की फ़ोटो दिखाता है जो उसने फ़ोटो क्लिक की थी लिली की, और गाइस यहाँ पर जो हैप्पी नाम का गैंगस्टर हो जाता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इस लड़की को मार दूंगा और तुम मेरे पास ये क्या बकवास लेकर आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इस लड़की को दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि वो इस लड़की को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिससे कि वो इस काम से बिलीव कर सके।
हम लोग देखते हैं कि नेट उस लड़की को यानी कि लिली को एक फ्लिंच पर लाता है जो कि एक माउंटेन की फ्लिंच थी, और वहाँ पे जो गैंगस्टर हैप्पी होता है वो एक ओपेरा हाउस से बैठकर लिली को पहाड़ से देख रहा था, और वो ऑर्डर दे देता है कि नेट को मारकर उस लड़की को ले आओ। पर इससे पहले वो वहाँ पर जाते हैं, नेट उस लड़की को लेकर अपने रूम पर आ जाता है और नेट लिली से कहता है कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। नेट लिली को एक रूम में लाता है जहाँ पर वो एक पेंटिंग देखती है लिली, और उस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही अच्छी थी। लिली नेट से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है पर वो अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता, और लिली भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं समझती, और वो नेट से कहते हैं क्या तुम मेरे लिए वायलिन बजाओगे। और जैसे ही वो वहाँ पर वायलिन बजाता है, वायलिन बजाने के बाद इन दोनों के बीच में एक किसिंग सीन आता है, और हम देखते हैं कि इन दोनों की जो दूरियाँ थी वो कम हो गई हैं, और ये फिजिकल सीन हमें यहाँ पर एक देखने को मिलता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो गैंगस्टर हैप्पी है वो नेट के घर पर आ चुका है, और वो उसकी पॉइंट पे एक चक्कू की पॉइंट पे उसे डराता है और लिली को सारी बातें बता देता है कि उसने मुझे बेचने के लिए ही तुम्हें अपने पास रख रखा है। तब लिली वहाँ से चली जाती है, पर वो हैप्पी से एक बात कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर तुम एक मुझे वादा करो कि तुम उसको कुछ भी नहीं करोगे, यानी कि तुम नेट को कुछ भी नहीं करोगे। पर हैप्पी उसके सामने तो राजी हो जाता है, पर बाद में लिली के जाते ही वो नेट को मारता है। तब नेट अपनी फ्रेंड हैरियट को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि मुझे लिली किसी भी हालत में चाहिए, अपने साथ चाहिए, क्योंकि मैं उसके साथ फ्यूचर स्पेंड करना चाहता हूँ, अब मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हैरियट है वो हैप्पी के घर पर जाती है और वहाँ के गार्ड्स को डिसलोकेट करती है, जिसके वजह से हैप्पी जो है वो पीछे वाले गेट से आ जाता है हैप्पी के घर में, और वो नेट को देखता है। हैप्पी नेट से पूछता है, हैप्पी लिली से पूछता है कि क्या तुम नेट के साथ जाना चाहती हो, पर नेट उसके मुंह पर ही मना कर देती है, जिसके कारण हैप्पी है जो है वो वहाँ से खुशी खुशी उस घर से चला जाता है बाहर को। गाइज यहाँ पर लिली भी हैप्पी को दोबारा से रिकॉल करवाती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी तक हूँ जब तक नेट जिंदा है, अगर तुमने उसे कुछ करा तो मैं तुम्हारे पास से भी चली जाऊँगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो नेट है वो बहुत ही ज़्यादा दारू पी रहा है, और हमें पता पड़ता है कि जो उसके ऑफिशियल्स थे जिस कंपनी में वो काम करता था उसने भी उसको फायर्ड कर दिया है, यानी कि उसे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि उसने बहुत ही सारी छुट्टियाँ कर दी थी अपनी जॉब से। अब दोस्तों यहाँ पर हम नेट के एक दोस्त को देखते हैं जिसकी एक बैंड कंपनी है, और जिसकी नेट ने एक कुछ सालों पहले मदद की थी, अब वो चाहता था कि वो आदमी नेट की मदद करे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हैप्पी एक प्रोग्राम प्लान कर रहा है जिसमें नेट का दोस्त जो है वो अपनी बैंड कंपनी के साथ वहाँ पर बैंड बजाने आ रहा है। हम देखते हैं कि नेट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में बैंड बजाना चाहता हूँ, और हम देखते हैं नेट को वहाँ पर बैंड बजाते हुए उस पार्टी में। तभी वहाँ पर वो लिली को देखते हैं जो कि बहुत खुश थी। नेट वहाँ पर लिली की तरफ लुक्स देता है पर लिली उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जिसके कारण नेट बहुत ही ज़्यादा दुख से भर जाता है, बहुत ही गुस्सा होता है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की बुलाई हुई थी उन्होंने जो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, और नेट भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ और तुम मेरे रूम में चलो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की जो थी वो सर्कस के मालिक सैम ने बुलाई हुई थी, और वो लड़की वहाँ पर नेट को एक ड्रग्स का जहरीला इंजेक्शन दे देती है, पर वहाँ पर हैरियट के होने की वजह से वो लड़की वहाँ पर बच जाती है, मतलब वो लड़की पकड़ी जाती है और वहाँ पर जो नेट है वो बच जाता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेट को जब होश आता है वो लिली के पास जाता है और देखता है कि हैप्पी ने लिली को गिरफ्तार कर रखा है, और वो वहाँ से उसे ले जा रहा है कहीं पर दूसरी जगह पर। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ना एक दिन कुछ दिन बीत जाते हैं, और यहाँ पर नेट को पता पड़ता है कि माइक ने एक होटल खोला है जहाँ पर वो एक पंखों वाली लड़की को पेश कर रहा है, और हम देखते हैं कि नेट यहाँ पर उसी लड़की को यानी कि लिली को देखता है जो कि एकदम न्यूड थी, उसके नीचे सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था, और हम देखते हैं कि वो एक जाल में बंद थी। और यहाँ पर हम देखते हैं जो नेट है वो उस शीशे के कांच को तोड़ देता है और उस लड़की को बाहर निकाल के वहाँ से ले जाता है। गाइज हम यहाँ पर देखते हैं कि हैप्पी अपनी टीम के साथ साथ नेट के और लिली के पीछे पहुँच जाता है, पर नेट यहाँ से कहता है कि लिली अब हम दोनों को यहाँ से उड़कर जाना होगा, पर लिली ये नहीं मानती, कहती मेरा वजन नहीं सह पाओगे, मेरे पंख नहीं सह पाएंगे। तो हम देखते हैं कि नेट वहाँ से नीचे छलांग मार देता है और लिली उसे पकड़ लेती है, और वो दोनों उड़ के उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें स्टार्टिंग सीन दिखाया गया था, जहाँ पर वो गैंगस्टर नेट को लेकर आया था, वहाँ पर नेट की कार होती है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको ट्विस्ट सीन एक दिखाते हैं कि यहाँ पर जो नेट की डेड बॉडी थी वो पड़ी थी, और हम यहाँ पर पता पड़ता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब नेट की इमेजिनेशंस थी, और लिली सच में एक एंजल है जो कि उसकी आत्मा को यहाँ पर लेने आई थी, और जो कुछ भी हमें स्टोरी में दिखाया गया ये सब एक नेट की इमेजिनेशंस थी। तो दोस्तों हमारी मूवी जब वो यहीं पर एंड होती है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक।